हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नेट। स्वागत है आप सबका डाउट नेट की सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो, एंड आई आल्सो होप कि हमारे बच्चे आज के सेशन के लिए सुपर रेडी हैं। सो आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा फेस्टिवल का माहौल है, मे बी आप लोगों का पढ़ाई करने का मन ना कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि बहुत सारे रिलेटिव्स आ रखे हैं, बहुत फन कर लिया आज, पर नहीं। ठीक है, अपना बिगर पिक्चर नहीं भूलना है। हम लोग टर्म टू की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल फेस्टिवल और बढ़िया तरीके से मना लेंगे, पर हाँ टॉप मारना है। आप लोगों के बहुत आई नो पर्सनली कि बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, तो उसके लिए हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्लास को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से सुनो, जो भी डाउट्स हैं कॉमेंट सेक्शन में पूछो, एंड हाँ वर्क हार्ड। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि हमारी इन्फर्नो क्लासेस चल रही हैं, अभी फिलहाल क्रैश कोर्स चल रहा है आपका। एंड लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री के एक चैप्टर को फिनिश कर दिया था, इस वीक हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज 1 आवर में उस चैप्टर को थोड़ा सा कवर करेंगे, बाकी का हिस्सा कल हम लोग सेम टाइम 6:45 PM कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो रेडी हो जाओ सारे बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे चैप्टर का नाम है, एंड ये जो चैप्टर है, ठीक है, इजी चैप्टर है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री कवर करा था मेरे साथ, तो हिस्ट्री के कंपैरिजन में ये चैप्टर इजी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आप बच्चे क्या गलती करोगे, इसे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लोगे कि ये तो ईजी चैप्टर है, इसे बाद में संभालेंगे। ऐसा नहीं करना है। ईजी चैप्टर का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसमें भी हमें अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो चैप्टर है, बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, पॉलिटिक्स के बारे में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर आप लोग सोचते होंगे, ठीक है, वाई डू वी नीड पार्टीज, कि हम लोग बहुत बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, पर हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है, और साथ ही साथ हाउ मैनी पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए ताकि हम ये कह पाएँ कि ये पॉलिटिकल सिस्टम बढ़िया है। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चंस, वाई डू वी नीड पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है, और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज से, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, है ना, जिन्होंने, जैसे आप लोगों को ये मौका मिल रहा है कि आप लोग स्कूल जाते हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता है, डेमोक्रेसी ये सब क्या है पता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आप ऐसे ही कभी मतलब रास्ते में जाओ और किसी नॉर्मल आदमी को रोक लो और पूछ लो कि बताओ डेमोक्रेसी क्या होता है, तो वो आपके चैप्टर का डेफिनेशन नहीं बताएंगे, है ना, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये सब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है ना, तो वो एकदम बुकिश डेफिनेशन नहीं बताएंगे, वो शायद प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी को समझा नहीं पाएंगे आपको। उनके तरफ से क्या जवाब आएगा कि डेमोक्रेसी का मतलब तो होता है पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो इस सेंटेंस से, इस स्लाइड से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए डेमोक्रेसी का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप उनसे पूछो कि इंडिया में क्या सिस्टम है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, उनको ये सब नहीं पता होगा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले देंगे कि इंडिया में तो अभी ये पार्टी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो टर्म है ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है, लोग समझते हैं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ समझाओ लोग झट से पहचान लेते हैं कि हाँ हमें ये पता है। ठीक है, पर विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको क्या बताया जा रहा है, जस्ट बिकॉज सब लोग जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबको पता तो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं। अक्सर क्या होता है इंडिया में, जब भी कुछ गलत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करते हैं कि ये तो उस पार्टी की गलती है,
वो पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही, इसलिए इंडिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही होता है, इन जनरल हम देखते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लीडर को ब्लेम करते हैं, है ना। तो इंडिया में भी ऐसा ही है, इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर अगर आप लोगों से पूछोगे कि आपको क्या लगता है इंडिया में क्या बदलाव आना चाहिए, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेंगे कि इस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले बदल दो या उस पॉलिटिकल पार्टी को बदलो, ठीक है। तो विजिबिलिटी का मतलब पॉपुलैरिटी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टीज को लेके क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल मतलब उनकी गलतियां निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सब हमने समझ लिया कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ही मतलब एक बड़ी बात है, सब लोग पहचानते हैं, ठीक है। सो डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें समझना है वो ये है कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की कोई ज़रूरत भी है, जब लोग इतनी ही बुराइयां करते हैं, ठीक है, इतनी गलतियां निकालते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज को बंद कर देना चाहिए, क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की कोई ज़रूरत है, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो अगर आज से कुछ 100 या फिर 1000 साल पहले की हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुआ करती थी, पर धीरे धीरे सारी कंट्रीज बदलने लगी और आज के डेट में हमें पता है कि बहुत ही ऐसी कम कंट्रीज हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं। तो अगर ऑलमोस्ट सारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी है तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ तो होगा, है ना, इस सिस्टम में कुछ तो बढ़िया बात होगी कि सारी कंट्रीज पॉलिटिकल पार्टीज बना रही हैं, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतना बढ़िया क्या है, ओके। चलो, तो किसी भी चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करके देखते हैं जिस सिचुएशन में वो चीज़ है नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ये समझना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं, तो हम ज़रा ये सोच के देखते हैं, एक ऐसी सिचुएशन सोच के देखते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे तो हमारे लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, है ना। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोगों को इंडिया के डिसीजंस खुद लेने होंगे, ओके। तो मैं आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में येस और नो करके जवाब देना और बताना कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इंडिया में, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारा, और हम चाहते हैं इंडिया के लिए कोई डिसीजन लेना, तो अब हमारे लिए कोई नेता नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, है ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो सारे लोग हैं यहाँ पे, हम एक डेट डिसाइड कर लें, हम एक टाइम डिसाइड कर लें, जगह डिसाइड कर लें, और इंडिया के सारे लोग उस दिन उस टाइम उस जगह मिलें और इंडिया के लिए सारे डिसीजंस लें, ऐसा पॉसिबल है क्या? येस और नो करके आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर दो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सोसाइटी के सारे लोग किसी एरिया में मिलें किसी पर्टिकुलर टाइम पे और वो लोग सारे मिलके इंडिया के लिए डिसीजन लें, ठीक है। हाँ, तो येस और नो आप लोग ये कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, पर हाँ मैं अभी आंसर बता देती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ कभी प्लान बनाने की कोशिश करी होगी लाइफ में, है ना, या फिर कभी करके देखना, 4-5 अगर आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो या कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हो, उसमें ही कितना हंगामा हो जाता है। 5 दोस्त होते हैं, सारे लोग अलग अलग जगह बोलते हैं, एक बोलते हैं गोवा चलेंगे, एक कहते हैं नहीं कश्मीर चलेंगे, कोई कहता है केरला चलेंगे, है ना, कोई कहता है वीकडेज में चलते हैं, कोई कहता है कि नहीं वीकडेज में बिजी हैं। तो 4-5 लोगों को ही कोई डिसीजन लेना कितना मुश्किल काम होता है, तो ऐसे में इंडिया के सारे लोग किसी एरिया में मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं वो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे लोग किसी एक जगह पर मिलें और डिसीजंस लें, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें रिप्रेजेंटेटिव को रखना होगा जो कि हमारे लिए डिसीजंस लेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारे लोग मिलें और डिसीजंस लें, तो हमें किसी रिप्रेजेंटेटिव को रखना होगा जो हमारी हेल्प कर पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और चीज, एक और सिनेरियो सोच के देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होते तो हम लोग इलेक्शन कैसे कराते, ठीक है।
तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इंडिया में, ठीक है, तो क्या इंडिया में ऐसा बोलना सही रहेगा कि जो इंसान सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, जिसने सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, उनको नेता बना देते हैं? ठीक है, तो आप लोग वैसे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। या फिर क्या हम लोग ये कह सकते हैं इंडिया में कि जिसकी सबसे ज़्यादा एज है उनको नेता बना देते हैं? ठीक है, तो इस टाइप की सिनेरियोज भी हम लोग नहीं कर सकते हमारी इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर हम ऐसे बैरियर्स लगा देंगे ये तो डेमोक्रेसी के ही खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, एंड हर बार पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि हमें सब कुछ आता है, है ना। पढ़ाई करना इज़ अलग और नॉलेज होना इज़ अलग। ठीक है, नेक्स्ट एज, ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि इंडिया में जिनकी सबसे ज़्यादा एज है उनमें सबसे ज़्यादा दिमाग होगा, सबसे ज़्यादा अच्छे लीडर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई 30 या 35 ईयर ओल्ड का कोई पर्सन हो, कोई लड़की हो, कोई लेडी हो, और उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो हम इस टाइप के क्राइटेरिया से भी अपने नेता को नहीं चुन सकते। इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन, इन सब का सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्सर क्या करती हैं, ज़रा हम ये समझते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़, हमने ये तो समझ लिया पॉलिटिकल पार्टीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास अक्सर अपना कोई, ठीक है, एक मोटो होता है, एक एजेंडा होता है। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे जितने लोग हैं, मान लो हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, डाउटनेट बच्चा पार्टी। ठीक है, और हमारा एम क्या है, हम सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हमने इंडिया में सारे लोगों को पढ़ा दिया तो इंडिया की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो ये तो हमें लग रहा है ना। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इंडिया में सारे लोगों को ये चीज़ समझाएं कि हम लोग सही सोच रहे हैं, आप लोग हमें मौका दो, अगर इंडिया में हम लोग एजुकेशन को फैलाएंगे तो सही में बदलाव आएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, कुछ पॉलिसीज़ दिमाग में सोचती हैं और लोगों को पर्सुएड करती हैं। पर्सुएड मतलब लोगों को मनाने की कोशिश करती है कि हम सही कह रहे हैं, हमें चांस दो, इंडिया में हम बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, और अगर ये इलेक्शन जीत गए तो, अगर हम लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो इसका मतलब लोग हमारे पॉलिसी को पसंद करते हैं, लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है। ठीक है, पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, सोसाइटी में एक डिविजन हो जाता है। ठीक है, तो सोसाइटी की जो अलग अलग डिविजन है वो क्या सोच रही हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हमें पता लग जाता है। और पार्टीज और क्या करती हैं, पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप का क्या मतलब होता है कि आप किसी एक आइडिया की साइड ले रहे हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दूं, तो इंडिया को डेवलप करने के बहुत तरीके हैं, है ना। जैसे एक मैंने कहा कि हमारी पार्टी मानती है कि हमें एजुकेशन कराना है सबका, है ना। एक तरीका ये है कि आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स बना दो, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। एक तरीका क्या है कि आप गरीबी, पावर्टी को कम करने की कोशिश करो। तो बहुत सारे तरीके हैं इंडिया में डेवलपमेंट करने के, पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग अक्सर क्या करते हैं, एक आइडिया की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के केस में हम लोग एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड है, तो हमारे पार्टी में किसी भी इंसान को उठाओगे वो हमेशा एजुकेशन की ही साइड लेगा, हमारे आइडिया की ही साइड लेगा। ठीक है, तो एक पार्टीजनशिप होता है पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, चलो, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझ ली हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एंड आप बच्चों के पास ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताओ पॉलिटिकल पार्टीज के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, मैं अभी कॉम्पोनेंट्स बता देती हूँ, पर वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट में पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है बता देती हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने इतना बोल दिया है, पर हमें अब भी क्लियर नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो पहले एग्जैक्टली समझ लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब है, और तीन कॉम्पोनेंट्स उसके एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी सेम आइडियोलॉजी है, जिनका मकसद है कि इलेक्शन जीतना है फिर गवर्नमेंट का पार्ट बनना है। तो अगर हम जैसे हमारे एग्जाम्पल में डाउटनेट बच्चा पार्टी जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है ना, तो इस एग्जाम्पल में क्या है, हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनकी सेम आइडियोलॉजी है कि पूरे इंडिया को बस बस बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे,
एजुकेशन के ऊपर हमारा विश्वास है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद यही होता है कि इलेक्शन जीतना है, गवर्नमेंट का पार्ट बनना है ताकि हम इंडिया के लिए डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है ये तो सबको आ गया समझ। ठीक है, अगर क्लियर है तो आपको पता ही है क्या करना है। हमने एक बहुत ही कूल सा रूल बना रखा है इन्फर्नो बैच के लिए कि अगर आपको सब कुछ समझ आ जाए तो आपको कॉमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज भेजने, क्योंकि इन्फर्नो, ठीक है, हमारे कोर्स का नाम ही इन्फर्नो है, तो अगर सब कुछ समझ आ गया तो कॉमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी फायर इमोजीज भेज दो ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे बच्चे अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं ये हमने समझ लिया है। नेक्स्ट, अब तीन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनमें तीन इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं एक लीडर। ठीक है, लीडर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा हर एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या रहेंगे, लीडर्स रहेंगे। ठीक है, कुछ मेन लोग होंगे जो कि गाइड कर रहे होंगे पॉलिटिकल पार्टी को। नेक्स्ट, एक्टिव मेंबर्स। ठीक है, एक्टिव मेंबर्स का क्या मतलब है, मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसमें 1000 लोग हैं। ठीक है, 1000 लोग हैं, 1000 मेंबर्स हैं, पर 1000 में से मान लो कुछ 700 लोग हैं जो मतलब एकदम एक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह जाके रैली कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, बढ़िया तरीके से पार्ट ले रहे हैं, तो इन 700 लोगों को हम कहेंगे कि ये हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक चीज़ में। तो हर एक पार्टी में क्या होगा, कुछ लीडर्स रहेंगे और एक्टिव मेंबर्स रहेंगे, ऐसे लोग रहेंगे जो एक्टिवली सारा काम कर रहे हैं, रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्पीच करा रहे हैं, लोगों से जाके बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में रहते हैं फॉलोवर्स। फॉलोअर्स मतलब ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के ऊपर विश्वास रखते हैं एंड उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वापस आ जाओ, हमारा एग्जांपल क्या चल रहा था, डाउटनेट बच्चा पार्टी। हमने ये कहा कि हम पूरे इंडिया को एजुकेशन देना चाहते हैं, तो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के भी फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी बढ़िया बात कर रही है, हम इन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फॉलोअर्स होंगे। तो ये तीन चीजें हर पॉलिटिकल पार्टी के पास होती हैं। ठीक है, एक है लीडर, एक है एक्टिव मेंबर्स और तीसरा है फॉलोअर्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको ये तीन पॉइंट्स तो पता होने ही चाहिए। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने सबको समझ लिया है क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी, उनके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब तो हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं फंक्शन को, ये लोग काम क्या करते हैं ये जरा समझ लेते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, ये हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट डस अ पॉलिटिकल पार्टी डू। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं, ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो काफी सारे फंक्शंस हैं, हम एक एक करके सारे फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला फंक्शन क्या है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो ये सुपर इजी पॉइंट है। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं, ये लोग इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो इनका एक फंक्शन क्या हुआ कि इलेक्शन में पार्ट लेना है। ओके, सो अब इलेक्शन में पार्ट लेने का तरीका हर एक कंट्री में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए की, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। पार्टी के मेंबर्स और पार्टी के सपोर्टर्स चूज करते हैं कि कैंडिडेट कौन होगा इलेक्शन का। ठीक है, तो हर एक कंट्री का अलग अलग तरीका होता है इलेक्शन में पार्ट लेने का। ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में पार्टी के जो टॉप लीडर होते हैं वो चूज करेंगे कि कौन पार्ट लेगा इलेक्शन में, कौन कैंडिडेट बनेगा इलेक्शन में। पर हाँ, ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्ट लेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन होता है, काम होता है। कैसे पार्ट लेगी वो कंट्री टू कंट्री बदल सकता है, पर हाँ ये फंक्शन हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सेम है कि इलेक्शन में इनको पार्ट लेना होता है। ठीक है, एक फंक्शन समझ लिया हमने। सेकेंड फंक्शन देखते हैं,
parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. Political party ka aur kya kaam hota hai? Ye alag alag policies batate hain ki hum India mein ye sab karenge, theek hai? Aur voters choose karte hain ki unko kiski policies badhiya lag rahi hain, theek hai? To maan lo, example se samajh lete hain. मान लो दो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी. ए पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हम इंडिया में एजुकेशन लेके आएंगे, ठीक है. बी ने कहा कि हम इंडिया में हेल्थ लेके आएंगे. तो अब क्या होगा, अलग अलग लोग चूज करेंगे कि इनको इसमें से कौन सी पॉलिसी पसंद आ रही है. कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे कंट्री में अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग कहेंगे कि पढ़ाई तो होती रहेगी, हमारे कंट्री में अभी हेल्थ इंपॉर्टेंट है. तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक और काम क्या होता है, अलग अलग पॉलिसीज बनाना ताकि लोग उन पॉलिसीज में से बेस्ट, उनको जो भी बेस्ट लगता है वो चूज कर पाए, ठीक है. एक काम तो ये होता है. नेक्स्ट, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री. पॉलिटिकल पार्टी का एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, ये लोग डिसीजन लेते हैं कि इंडिया में लॉज कैसे बनाए जाएंगे. मतलब जिस भी कंट्री के पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि उनके कंट्री में लॉज, कानून कैसे बनाए जाएंगे. क्योंकि देखो, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो वो इवेंचुअली लेजिस्लेचर का पार्ट बनेंगी, है ना. लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ रखा है कि हम अपने गवर्नमेंट को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम होता है इंडिया के लिए कानून बनाना, लॉज बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन कानूनों को इम्प्लीमेंट कराना. जुडिशरी का काम क्या होता है, जुडिशरी मतलब कोर्ट का जो सिस्टम होता है, जुडिशरी का काम होता है ये देखना कि सबको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है. तो पॉलिटिकल पार्टीज इवेंचुअली लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाती हैं. एंड लेजिस्लेचर का तो क्या काम होता है, हमारे लिए कानून बनाना, लॉज बनाना, बने हुए कानूनों को थोड़ा सा बदल के और बेटर करना, ठीक है. ये सारी चीज़ें लेजिस्लेचर का काम होता है. सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक और काम क्या होता है, डिसीजंस लेना और कंट्री के लिए कानून बनाना, ठीक है. ये भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन है, एक रोल है. नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. ये तो मुझे लगता है ये पॉइंट तो सबको याद हो ही जाएगा, है ना. पॉलिटिकल पार्टी का एक और फंक्शन क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म करना और गवर्नमेंट को रन करना, ठीक है. सो गवर्नमेंट का पार्ट बनना और गवर्नमेंट को रन करना, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है. तो अगेन, जैसे कि हम पढ़ ही रहे थे कि गवर्नमेंट में तीन हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं. एग्जीक्यूटिव का काम होता है रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, सोसाइटी में यूज करना. तो पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शंस ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. इस पॉइंट का क्या मतलब है, हमें अक्सर लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई वही बढ़िया, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी काम की नहीं है, ठीक है. ऐसा लगता है क्या किसी को, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. अब तो आप लोग नहीं ही लिखोगे, है ना. वैसे भी आप लोगों ने मैराथन वगैरह उन सब में समझ रखा है मेरे से. तो हाँ, अक्सर ये चैप्टर पढ़ने से पहले, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ने से पहले हमको ऐसा लगता होगा मे बी कि जो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं वही लोग बढ़िया हैं, बाकी लोगों का तो कोई काम ही नहीं होता सिस्टम में. ऐसा नहीं है. जो लोग इलेक्शन में हार जाते हैं उनको हम कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है. वो लोग जीत नहीं पाए पर मतलब थोड़ा सा रह गए तो हम उनको कहेंगे कि वो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं. अब ऑपोजिशन पार्टी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. क्या काम होता है, रूलिंग पार्टी के ऊपर नजर रखना, ठीक है. तो देखो, जो लोग इलेक्शन जीत गए, जो कंट्री को संभाल रहे हैं, जो गवर्नमेंट का पार्ट बन गए, उनको हम कहते हैं रूलिंग पार्टी. जो लोग इलेक्शन में हार गए हैं उनको हम कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी. तो ऑपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है, रूलिंग पार्टी के ऊपर नजर रखना कि क्या ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं,
क्या ये लोग कुछ गलत मैल प्रैक्टिसेस तो यूज नहीं कर रहे, ठीक है, लोगों को बिट्रे तो नहीं कर रहे, करप्शन तो नहीं कर रहे, ठीक है, ये सारी चीजें चेक करना ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है, ठीक है। इंडिया के लोगों की आवाज को रेज करना, रूलिंग पार्टी तक पहुंचाना कि लोग ये कह रहे हैं, तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो, ये सारी चीजें करना भी ऑपोजिशन पार्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं, ये पब्लिक के ओपिनियन को एक शेप देते हैं। कैसे? अब मान लो कहीं बहुत दूर, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, मान लो उस स्टेट से बहुत दूर कोई हमारा इंडिया का स्टेट है एंड वहां पे कोई दिक्कत चल रही है। क्या दिक्कत चल रही है? मान लो वहां पे चल रहा है वाटर शॉर्टेज, तो जाहिर सी बात है आपको तो पता नहीं लगेगा, है ना। आप तो नॉर्मली अपने दिन में जो भी करते हो करते रहोगे, है ना, आओगे, टर्म टू की तैयारी करोगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, आपको कहाँ से पता चलेगा अगर इंडिया में कहीं बहुत दूर किसी स्टेट में पानी की कमी पड़ रही है। पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं, वो ऐसे प्रॉब्लम्स को रेज करते हैं, ठीक है। उनको जब पता लगेगा कि उनके स्टेट में पानी की कमी पड़ रही है तो वो क्या करेंगे, वो इस इशू को रेज करेंगे। जब वो इस इशू को रेज करेंगे तो क्या होगा, मीडिया वाले इस इशू को पकड़ लेंगे, फिर क्या होगा, न्यूज़ में हर जगह ये आने लग जाएगा कि इंडिया का एक स्टेट है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। फिर हालांकि आप लोग टर्म टू की तैयारी कर रहे हो, आप लोग ज़्यादा टीवी वीवी आपको देखना अलाउड होगा नहीं, पर हाँ, पर फिर भी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, इंडिया में ये दिक्कत चल रही है। फिर आपका भी ओपिनियन बनने लगेगा कि इंडिया में ऐसा होना बहुत गलत है, लोगों तक पानी पहुँचना चाहिए। तो इनडायरेक्टली आपका ओपिनियन शेप किसने करा, पॉलिटिकल पार्टीज ने करा, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, वो इश्यूज को रेज करते हैं, हाईलाइट करते हैं, जिसके वजह से हम लोगों का ओपिनियन बनता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए या फिर हाँ इंडिया में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ओपिनियन शेप करना ये भी पॉलिटिकल पार्टी का ही एक फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए क्या करती हैं, ये हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाती हैं, है ना, अलग अलग स्कीम्स बनाए जाते हैं हमारे लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमारे लिए बनाए जाते हैं, तो ये सब करना भी पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब लाते हैं ताकि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको भी एडवांटेज मिल सके सिस्टम में रहने का, ओके। तो ये सारी चीजें जो कि हमने डिस्कस करी, ये फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज थी। एंड अगेन क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा कि बच्चों बताओ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या क्या हैं, एंड आप लोगों को ये 7 पॉइंट लिख देने हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है उतने ही पॉइंट्स लिखना, ठीक है। एंड देखो आपकी बुक में ये बहुत बड़े पैराग्राफ की तरह दे रखा है, तो आप अगर पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना चाहते, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इतने मार्क्स का तो क्वेश्चन ही नहीं है कि मैं 2-3 पेज भर दूं, तो आप क्या करो, जो मैंने ये पॉइंट्स अंडरलाइन कर रखे हैं ना, इन लाइंस को तो आपको लिखना ही लिखना, ठीक है। तो जो भी स्लाइड में हाईलाइट, बोल्ड और अंडरलाइंड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, पर अभी भी ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, हमारा जो सिस्टम है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको थोड़ा बहुत तो लेक्चर के शुरुआत में ही बता दिया था कि एक ऐसी कंडीशन इमेजिन करो जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, है ना, तो इंडिया में क्या होगा सोचो। तो अगेन उसी चीज़ को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो वही सेम चीज़ इमेजिन करो, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो इलेक्शन में लोग इंडिपेंडेंटली खड़े होंगे, है ना। पहले तो क्या हो रहा था, हमारे पास डाउटनेट बच्चा पार्टी था अपने एग्जाम्पल में, तो हम लोग साथ में इलेक्शन में जा रहे थे, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह जा रहे थे। अब हम लोग मान रहे हैं कि इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तो
तो मुझे अकेले जाना होगा इलेक्शन में, है ना। अब अगर मैं अकेली इंसान हूँ तो मैं जनता से ज़्यादा प्रोमिसज नहीं कर पाऊँगी, है ना। जैसे पहले तो मुझे पता था हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी हैं, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, वो संभाल लेंगे हर प्रॉब्लम को। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी होती तो मैं हर जगह जाके प्रॉमिस करके आ जाती कि हाँ हम इंडिया में स्कूल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे इंडिया में हर जगह स्कूल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम करके दिखा देंगे, है ना। पर अब मुझे पता है कि मैं अकेली इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, उतना ही बोलना चाहिए जितना मैं काम संभाल सकती हूँ। तो मैं शायद बिना डरे ये सबसे बोल नहीं पाऊंगी कि हाँ पूरे इंडिया में स्कूल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो अगर एक इंसान अकेला खड़ा है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक इंसान अकेला कुछ करना चाहता है, तो वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, बड़े बड़े प्रोमिसज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कोई भी मेजर प्रोमिस नहीं कर पाएंगे जिसके थ्रू हम इंडिया को बदल पाए, एक दिक्कत तो ये आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट तो बन जाएगी, अगर एक एक इंसान भी हो, पॉलिटिकल पार्टी ना हो, तो गवर्नमेंट तो हम तब भी बना सकते हैं, पर गवर्नमेंट में यूटिलिटी नहीं रहेगी। यूटिलिटी मतलब वो गवर्नमेंट किसी काम की नहीं रहेगी, यूजफुलनेस कम हो जाएगी गवर्नमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जो लोग हैं उनकी लॉयल्टी किसी एक एरिया के लिए होगी, है ना, क्योंकि एक ही इंसान है। अब एक इंसान तो बायस्ड भी हो सकता है, अगर पूरा पॉलिटिकल पार्टी होता तो पॉलिटिकल पार्टी में तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप की सोच होती है, ठीक है। पर अगर एक ही इंसान है तो उस एक इंसान की तो एक ही सोच होगी, हो सकता है वो किसी एक स्टेट के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत कुछ करे और इंडिया में बाकी लोगों को भूल जाए, है ना, तो ये भी एक दिक्कत है, ओके। तो वो अपनी मर्जी से चीज़ों को करते रहेंगे और कोई उनको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही इंसान है, वो क्या क्या करेगा कंट्री में। तो गवर्नमेंट चलती रहेगी बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल, और गवर्नमेंट में यूटिलिटी नहीं होगी, यूटिलिटी मतलब कोई यूजफुलनेस ज़्यादा उस गवर्नमेंट की होगी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन सारे रीजंस को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा अब कि इसीलिए हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर कंट्री जो है वर्ल्ड में, चाहे वो कोई छोटी कंट्री हो या कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री हो, कोई ओल्ड कंट्री हो, कोई मतलब न्यूली फॉर्म्ड कंट्री हो, या फिर कोई डेवलपिंग कंट्री हो या फिर डेवलप्ड कंट्री हो, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। एंड ये पॉइंट ही इनफ है आप बच्चों को समझाने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़रूरी हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता तो इतनी सारी कंट्रीज़ इस सिस्टम को यूज़ नहीं कर रही होती, है ना। इतने सारे कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम हमारे लिए यूज़फुल है, बढ़िया है, ठीक है। चलो, तो जैसे जैसे सोसाइटीज़ बड़ी होती जाती हैं, जैसे जैसे कंट्रीज़ डेवलप होने लगती हैं, क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, है ना। तो जैसे इंडिया में हम जैसे जैसे डेवलपमेंट करेंगे, इंडिया में मुश्किलें थोड़ी और बढ़ती जाएंगी, डिसीजंस हमें और लेने होंगे, तो हमें उस टाइप के लोग भी चाहिए होंगे गवर्नमेंट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट में एक ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इंसान अकेला बैठ के सोच रहा है, एक पार्टी होनी चाहिए जिसमें सारे लोग बैठ के दिमाग लगाएं कि हाँ क्या करना है, इंडिया में मिलके सोचते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा सिस्टम है विच इज़ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए किसी कंट्री में तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटा नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई एक ऐसी कंट्री है जो चाह रही है कि हमारे कंट्री में क्या आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए, तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने ही पड़ेंगे, ये नेसेसरी कंडीशन है, ओके। चलो, तो अब हमने ये समझ लिया पॉलिटिकल पार्टीज़ होते क्या हैं, हमने ये समझ लिया पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया कि वो नेसेसरी क्यों है डेमोक्रेसी के लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें समझना है वो ये है, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, एक कंट्री में कितने पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए, ठीक है। तो क्या कोई एग्जैक्ट नंबर है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ बढ़िया है, अब बंद कर दो, इतने पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी हैं, ठीक है। क्या कोई एग्जैक्ट नंबर है, क्या हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी है,
या 2 काफी हैं या फिर 15 काफी हैं, तो क्या कोई एग्जैक्ट नंबर है इस चीज का? ठीक है, तो पहले तो आप मुझे बताओ, ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या कोई एग्जैक्ट नंबर है? और अगर आपको लगता है कि हाँ एग्जैक्ट नंबर है, तो वो नंबर भी कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो। अगर आपको लग रहा है कि मैम मेरे हिसाब से 16 पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए, तो लिख के भेज दो कमेंट सेक्शन में, लिख दो मैम इतने पॉलिटिकल पार्टी होने चाहिए। जो बच्चे इस क्लास को बाद में देख रहे होंगे, ठीक है, मान लो कल बोर्ड का एग्जाम है और आज देख रहे हो, तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज हर एक कंट्री में होने चाहिए। ठीक है, चलो, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, तो अब मैं आगे बताती हूँ, हम इस क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 750 से भी ज्यादा, ठीक है, 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। ओके, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे इंडिया में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी पार्टी सीरियसली इंडिया में काम कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि लोग जोश जोश में पार्टी बना देते हैं पर फिर कोई काम नहीं करते। ठीक है, तो 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं हमारे इंडिया में, पर ये सारे सीरियस कंटेंडर्स नहीं हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने 750 पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुन रखा है न्यूज में, है ना। इनमें से कुछ गिने चुने पार्टीज हैं जो कि फेमस हैं, जो कि सीरियस कंटेंडर्स हैं इलेक्शन के दौरान। ठीक है, चलो, तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। हमें पता चल गया इंडिया में 750 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, पर इनमें से कितनी इफेक्टिव हमें चाहिए एक कंट्री में ताकि वो कंट्री अच्छे से काम कर पाए। तो हर एक कंट्री में ना अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी तो है ज्यादातर कंट्रीज में, पर सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज किस सिस्टम को फॉलो करती हैं, वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड ये जो टॉपिक है इसमें आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा ध्यान देना है, ये आपके सैंपल पेपर में भी आया था, और अगर सैंपल पेपर में आया है तो ये बाय डिफॉल्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज हैं जहां पे फॉलो होता है वन पार्टी सिस्टम। अब वन पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है, नाम से समझ आ रहा है ना, एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक पार्टी है, ठीक है, तो वन पार्टी सिस्टम होता है कुछ एरिया में। पर इसमें ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि वन पार्टी सिस्टम का ये मतलब होगा कि एक ऐसी कंट्री जहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, ये मतलब नहीं है इसका। वन पार्टी सिस्टम मतलब एक ऐसी कंट्री जिसमें हो सकता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, मान लो 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पर इन 4 में से एक ही पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांसेस हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है विच इज लाइकली टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो वन पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है, एक ऐसी कंट्री जहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो बार बार जीतती है और जिसके चांसेस हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के, तो हम उसे कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, हो सकता है वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, ठीक है, हो सकता है वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज बनाना अलाउड हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है विच इज लाइकली टू विन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, ये कहां पे होता है, आप जब भी अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम, तो ऑब्वियसली आप लोग डेफिनेशन तो लिखोगे, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो टीचर्स को वहां बोर्ड एग्जाम में मौका देके मत आ जाना कि एग्जाम्पल नहीं लिखा मार्क्स काट लो मेरे, तो अपनी तरफ से आंसर को हमेशा ऐसे लिखो कि टीचर को कुछ मतलब तरीका मिले ही ना मार्क्स काटने का, उनको लगे कि परफेक्ट आंसर है, मैं चाहकर भी मार्क्स नहीं काट सकती या काट सकता। ओके, चलो, तो वन पार्टी सिस्टम कहां पर है ये हम देखते हैं चाइना में। चाइना में क्या है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को अलाउ किया जाता है रूल करने के लिए, although legally speaking, ठीक है, अगर हम वहां के सिस्टम को देखें तो वहां पे आप लोग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, कोई आपको आके मना नहीं करेगा कि पॉलिटिकल पार्टी मत बनाओ, ठीक है, पर फिर भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज तो बना सकते हैं, पर फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी ही
इट इज लाइकली टू फॉर्म द गवर्नमेंट. इसीलिए हम कहते हैं कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है. वन पार्टी सिस्टम आ गया सबको समझ? अगर आ गया समझ जल्दी जल्दी फायर इमोजीज भेज दो कमेंट सेक्शन में, कह दो मैम सब क्लियर है, कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके हाँ, तो अगर यहां तक क्लियर है सारे बच्चे जल्दी जल्दी फायर इमोजीज भेज दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम फिर ये डिस्कस करेंगे वन पार्टी सिस्टम होता क्या है, ये तो हमने समझ लिया, पर वन पार्टी सिस्टम किसी कंट्री में बढ़िया रहता है या नहीं रहता वो हम जरा समझते हैं. चलो, तो आई होप यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन. ठीक है, एक डेमोक्रेसी में वन पार्टी सिस्टम को हम एक बढ़िया सिस्टम नहीं मानते. क्यों नहीं मानते? देखो, डेमोक्रेसी की ना स्पिरिट ही यही है कि अलग अलग लोग पार्टिसिपेट कर पाए, है ना, अलग अलग लोगों का ओपिनियन हमें मिले, अलग अलग लोगों की सोच कंट्री के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, ये डेमोक्रेसी का मकसद ही ये है. ठीक है, तो अगर ऐसे में कोई ये कह दे कि नहीं एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग बार बार जीतेंगे, वही गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हुई. ठीक है, तो वन पार्टी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक ओपिनियन के थोड़ा सा खिलाफ है. ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी कंट्री जो कह रही है कि हमारे पास तो डेमोक्रेसी है, ठीक है, कोई भी एक ऐसी कंट्री जो ओपनली ये कहती है कि देखो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी चलता है, तो वहां पे कम से कम दो पार्टीज तो होने ही चाहिए. ठीक है, हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि आप लोगों को फ्रीडम दे रहे हो, आजादी दे रहे हो, उनके ओपिनियन को सुन रहे हो. तो कोई भी एक ऐसी कंट्री जो कि ओपनली कहते हैं कि देखो हम तो डेमोक्रेसी हैं, हम तो डेमोक्रेसी को मान के चलते हैं, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनके पास वन पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए. कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे होने चाहिए जिनके चांसेस हो जीतने के. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकता है कि व्हाई इज वन पार्टी सिस्टम नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो ये पैराग्राफ लिख देना, बस नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. एक तो हो गया वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, एक होता है टू पार्टी सिस्टम. अब टू पार्टी सिस्टम भी हमें सुन के समझ आ रहा है नाम से, है ना. टू पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है? एक ऐसी कंट्री जहां पे अगेन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं. मान लो कोई ऐसी कंट्री है जहां पे 10 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पर 10 में से दो ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, जिनके गवर्नमेंट को फॉर्म करने के चांसेस ज्यादा हैं. तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, इस कंट्री में क्या है? टू पार्टी सिस्टम. ठीक है, तो टू पार्टी सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं विच आर मोर लाइकली टू फॉर्म दी गवर्नमेंट, जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, जिनके गवर्नमेंट का पार्ट बनने के चांसेस ज्यादा हैं, उसे हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं. कहाँ देखने को मिलता है टू पार्टी सिस्टम? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन दो कंट्रीज में आप देखोगे टू पार्टी सिस्टम है. ठीक है, अगेन एग्जाम्पल याद रखना है. एंड देखो, सैम्पल पेपर में तो डिफरेंस के भी क्वेश्चन आए थे, तो एक तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकता है कि टू पार्टी सिस्टम होता क्या है समझा दो. एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम के बीच में डिफरेंस बता दो. तो अगर डिफरेंस पूछा जाता है घबराना नहीं है, वन पार्टी की डेफिनेशन लिख दो, टू पार्टी सिस्टम की डेफिनेशन लिख दो, एक एग्जाम्पल लिख दो, यहां पर भी एक एग्जाम्पल लिख दो, बस मोर देन इनफ. ओके चलो, तो वन पार्टी सिस्टम समझ लिया, टू पार्टी सिस्टम समझ लिया. अब एक और सिस्टम रह रहा है. आपको लग रहा होगा कि हमने इंडिया की तो बात ही नहीं करी, है ना, एग्जाम्पल में हमने इंडिया तो कहीं पर पढ़ा ही नहीं. तो इंडिया में किस टाइप का सिस्टम होता है? इंडिया में होता है मल्टी पार्टी सिस्टम. ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है कि दो से भी ज्यादा ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके जीतने के चांसेस हैं, जिनके गवर्नमेंट का पार्ट बनने के चांसेस हैं. तो दो से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं विच आर लाइकली टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. ठीक है, और ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, एक ऐसा चांस भी होता है कि अलायंस बन जाए. अलायंस का क्या मतलब है? मान लो मान लो हमारे इंडिया में चार पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिनके जीतने के चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं,
तो बाकी बचे हुए तीन क्या करेंगे, इनमें अचानक से दोस्ती हो जाएगी, ठीक है, ये लोग अचानक से टीम वर्क करने लगेंगे, साथ में काम करेंगे, कोएलेशन बना लेंगे, ठीक है, और इसको हराने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम कहते हैं कि इन्होंने अलायंस बना लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मल्टी पार्टी सिस्टम में होती हैं कि दो से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके जीतने के चांसेस हैं और वो लोग अलायंस भी फॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो कोएलेशन तो पता है ना सबको, जब दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टी साथ में मिलके काम करें तो उसे हम कोएलेशन कहते हैं। ऐसे साथ में मिलके काम करने को ही हम कहते हैं कि इन्होंने अलायंस बना लिया है, या फिर हम कहते हैं इन्होंने फ्रंट बना लिया है, ठीक है। तो अगर दो तीन पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलके काम करें तो हम कहते हैं कि ये अलायंस है, या फिर हम कहते हैं फ्रंट है, या फिर हम कहते हैं कि इन्होंने कोएलेशन पार्टी बना ली है, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, तीनों में फ़र्क बता दो, तो भी घबराना नहीं है, ऐसे तीन कॉलम्स खींच लो, ठीक है, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। तो चलो, इंडिया के कुछ अलायंस के बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान कुछ मेजर अलायंस बनी थी, जिसको हम कहते हैं NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, और एक और अलायंस बनी थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, UPA भी कहा जाता है, आपने सुना होगा न्यूज़ में, है ना। तो लेफ्ट फ्रंट, ये सारी चीज़ें कंट्रीज में बनती हैं, ठीक है। तो अब मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, ये सुनने में बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। जैसे चाइना में तो क्या है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वही सब संभाल लेगी। इंडिया की अगर हम बात करें, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा कि इतने सारे लोग हैं, अलायंस कर रहे हैं, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो हाँ सही लग रहा है, ठीक है, थोड़ा मैसी होता है ये सिस्टम, इस सिस्टम में थोड़ी इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे मान लो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ए और बी, और इन दोनों ने सोचा कि अब हम साथ में मिलके काम करेंगे, ठीक है, पर साथ में मिलके काम करना भी मुश्किल होता है, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे कि किसकी बात सुननी है, क्या ए पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी सुननी है या बी की सुननी है, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में। पर मल्टी पार्टी सिस्टम का एक फ़ायदा क्या है, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन रहेगा, ए पॉलिटिकल पार्टीज में से सोचो अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे, बी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियंस देंगे, तो बहुत सारे ओपिनियंस आएंगे हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो मैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम, पर इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये सिस्टम अच्छा भी रहता है, ठीक है। चलो, तो वन पार्टी, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है, और अगर यहाँ तक आप बच्चों को क्लियर है तो जल्दी जल्दी फायर इमोजीज भेज दो कमेंट सेक्शन में, मुझे आइडिया लग जाए हमारे बच्चों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है, ठीक है। वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी बोल दो हाँ मैम सब क्लियर है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे इस क्लास को बाद में देखेंगे, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ आप उसका आंसर दे सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। मैं आप बच्चों के कमेंट्स देखती ही रहती हूँ, आपने देखा भी होगा, मैं अक्सर रिप्लाई भी दे देती हूँ आप बच्चों का, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर दो तरीके की होती हैं, ठीक है, तो ऐसी जो भी कंट्रीज हैं जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, उन कंट्रीज में हम अक्सर देखते हैं दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। फेडरल सिस्टम का क्या मतलब है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट को हमने अलग अलग लेवल्स में बांट रखा है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पास एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए डिसीजंस लेती है। फिर इंडिया में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए डिसीजन लेते हैं। फिर हमारे इंडिया में क्या है, लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल लेवल में मतलब पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, लोकल लेवल में डिसीजंस लेते हैं। तो हमारे इंडिया में ऐसे अलग अलग लेवल्स हैं। अक्सर ऐसी कंट्रीज जिनके गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल्स होते हैं,
उनके पास दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी को तो हम कहते हैं नेशनल पार्टी, दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक को कहते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एक को हम कहते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मतलब है, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले नेशनल पॉलिटिकल पार्टी समझ लेते हैं और उसके बाद हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को समझेंगे, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मतलब है, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो ओवर टाइम बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स कर लेती हैं, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो जिनको थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है हमारे इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। तो अगर आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आप पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाओगे और आप अपने पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराओगे। और वैसे तो इलेक्शन कमीशन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बराबर मानती हैं, पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो थोड़ी स्पेशल हैं, ठीक है, उनको इलेक्शन कमीशन जो है थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये हैं कि उन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के लोग कहते हैं कि आप कोई सिंबल रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। सिंबल रखना भी एक प्रिविलेज है, ठीक है, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको इलेक्शन कमीशन के लोग प्रिविलेज दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप सिंबल रख लो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर कल को डाउटनेट बच्चा पार्टी अगर हम इलेक्शन कमीशन में जाके इसे रजिस्टर करा लें, ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद हम इतना कुछ बढ़िया काम कर दें कि इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई लोगो डाल लो, ठीक है, तो हम क्या होंगे, हम रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब देखो, अगर आपको रिकॉग्नाइज बनना है तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनाना है तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से भेदभाव कर रहा है, नहीं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर आप उन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लेते हो तो आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है, ठीक है। तो वो क्राइटेरियाज क्या हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कम से कम 6% ऑफ टोटल वोट्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट में एंड विंस एटलीस्ट 2 seats, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी, ठीक है। तो अभी फिलहाल स्टेट पार्टी का बताया जा रहा है, तो अगर स्टेट पार्टी बनानी है आपको तो क्या करना होगा, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी टोटल वोट्स हैं उसमें से 6% वोट्स आपको मिल जाने चाहिए, ठीक है, और कम से कम 2 seats, तभी आपको कहा जाएगा कि आप स्टेट पार्टी हो। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर ले, हम कहते हैं कि ये स्टेट पार्टी है। अब हाँ, यहाँ पे नेशनल पार्टी का लिखा है, नेशनल पार्टी अगर आपको बनानी है तो क्या क्राइटेरिया है, अगेन 6% ही आपको जीतना होगा टोटल वोट्स का, पर अब कहा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में आपको 6% जीतना है, ठीक है। स्टेट में अगर आपको करना हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट में 6% जीतना है, अगर आपको नेशनल पार्टी बनानी हो तो लोकसभा इलेक्शन में आपको 6% इलेक्शन के दौरान जीतना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको एटलीस्ट, मतलब कम से कम 4 seats लोकसभा में मिलने होंगे, तभी कहा जाएगा कि आप लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज दो टाइप के होते हैं, एक है नेशनल, एक है स्टेट, ओके। एंड नेशनल बनने के लिए आपको ये एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होगी कि लोकसभा इलेक्शन में आपको 6% वोट मिल रहा है और आपको साथ ही साथ कम से कम 4 seats मिल रही हैं। स्टेट पार्टी बनाने के लिए क्या करना होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट कम से कम 6% वोट होने चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 2 seats आपको मिलने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। चलो तो इस एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हुए हमने क्या करा, कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को सेलेक्ट करा। तो ये बात है 2006 की, ठीक है, 2006 में जब हमने इस एलिजिबिलिटी को फॉलो करा तो इंडिया में 6 national रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं,
ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पूरा हिस्ट्री हम पता कर लेंगे पॉलिटिकल पार्टी का, पर हाँ हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अपने मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम INC से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। थोड़ा बहुत हमने इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, तब हमने काफ़ी कुछ समझ लिया था, है ना। तो अब इस चैप्टर में भी हम थोड़ा INC के बारे में पढ़ लेते हैं। ये INC का सिंबल है, आप में से काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा। INC के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉर्मली, ठीक है, पॉपुलरली इसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज। ठीक है, अब इस सेंटेंस में ध्यान देना, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी पार्टी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी भी पुरानी पार्टीज हैं उनमें से एक हमारी कांग्रेस पार्टी है। 1885 में इसे फाउंड किया गया था, एंड 1885 मतलब बहुत साल पहले फॉर्म किया था INC को, एंड उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए हैं इस पॉलिटिकल पार्टी में। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, बीच में कांग्रेस में अलग अलग स्प्लिट्स आ गए थे, है ना। तो इसके फॉर्मेशन के बाद, 1885 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं INC में। एंड ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे नेशनल स्ट्रगल में, है ना। अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस की कहानी को उठा के देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया जो हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें हर जगह कांग्रेस 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 लिखा है ना। तो इस पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, चलो। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप के नीचे इस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हम लोग एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं इंडिया में। ठीक है, सेक्युलर का क्या मतलब होता है? एक ऐसी जगह जहां रिलीजन के बेसिस पे हम लोग भेदभाव नहीं करते। ठीक है, डेमोक्रेटिक हमें पता है, रिपब्लिक का क्या मतलब है? एक ऐसी जगह जहां पे हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप के अंडर कांग्रेस ने क्या कहा कि हम एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं इंडिया में। ओके, तो 1977 तक हम देखते हैं कि ये मेजर रूलिंग पार्टी रही हमारे कंट्री में। उसके बाद 1980 से लेके 1989 तक भी, आफ्टर 1989 क्या होता है, हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो इसका सपोर्ट था, ठीक है, जो भी लोग सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को, धीरे धीरे वो सपोर्ट थोड़ा सा कम होने लग जाता है। ठीक है, पर आज के डेट में भी कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है हमारे कंट्री में। ठीक है, और कांग्रेस कहा जाता है कि ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को अक्सर लेफ्टिस्ट या फिर राइटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, लेफ्टिस्ट मतलब ऐसे लोग जो सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, राइटिस्ट मतलब जो नहीं लाना चाहते, सेंट्रिस्ट मतलब ऐसे लोग जो ना ही मतलब लेफ्ट की साइड है ना ही राइट की साइड है, वो मतलब अपने तरीके से चलना चाहते हैं। तो ये एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, सेक्युलरिज्म के ऊपर इनका विश्वास है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शन में आ जाता है माइनॉरिटीज, ठीक है, एंड ऐसे लोग जिनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा किया गया है, तो इन सारे लोगों के, इन सेक्शंस के वेलफेयर में इनका विश्वास है। ठीक है, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, इकोनॉमी को थोड़ा बदलना चाहते हैं ताकि इंडिया में डेवलपमेंट आ पाए। और UPA जो कि हमने पढ़ा था जब हम लोग अलायंस की बात कर रहे थे, सो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोएलिशन जो है, इस कोएलिशन के लीडर्स हैं ये। ओके, सो ये हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा BJP के बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस के बारे में पढ़ लिया, BJP के बारे में भी थोड़ा इन डिटेल पढ़ लेते हैं। ये BJP का लोगो है इस साइड। ओके, चलो। सो BJP मतलब भारतीय जनता पार्टी, 1980 में फॉर्म किया गया था BJP को, रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। रिवाइविंग वर्ड का मतलब ऐसा मतलब होता है किसी को फिर से जिंदा करना, तो भारतीय जनसंघ को ही रिवाइव करके, फिर से उसका फॉर्मेशन करके BJP को बनाया गया था। ओके, एंड इनका मेन मकसद क्या है, ये स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं, एक ऐसा इंडिया बनाना चाहते हैं
जिसे डेवलपमेंट की इंस्पिरेशन कहाँ से मिले, हमारे कल्चर से, ठीक है। तो ये इंडियन कल्चर्स एंड इंडियन वैल्यूज को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो इनका मेन मकसद क्या है कि इंडियन एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज से इंस्पिरेशन लेते हुए इंडिया को डेवलप करना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनके लिए कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदुइज़्म, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि हिंदू शब्द आ रहा है ना, तो सबको लगता है कि ये रिलीजन की बात हो रही है, कि बीजेपी के लोग इस सेंटेंस से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू रिलीजन को ज़्यादा पसंद करते हैं। पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है, हिंदुत्व वर्ड का मतलब होता है कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म मतलब, नेशनलिज्म हमें पता है क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ रखी है ना, अपने कंट्री के लिए एक लव और डिवोशन रखना, कि कंट्री के लिए कुछ करना है, कंट्री के लिए कुछ बहुत बढ़िया करना है। कल्चरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है, हमारे कल्चर के लिए एक लव और डिवोशन रखना, कि हमारा कल्चर बढ़िया है, हमारे कल्चर को डेवलप करना है। तो कल्चरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये हमारे कल्चर के थ्रू डेवलपमेंट लाना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट इनका एक और एम क्या था, कि जम्मू कश्मीर का टेरिटोरियल इंटीग्रेशन करना है, और ये इन्होंने मतलब करके भी दिखाया, ठीक है। जम्मू कश्मीर का आज के डेट में टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल, इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए सेम रूल्स, एक यूनिफॉर्म कोड, ठीक है। और भेदभाव नहीं करना रिलीजियस बेसिस पे, लोगों का जो भी रिलीजन हो उन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ये सब इस कंट्री का, इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन मकसद है। तो हम देखते हैं कि 1990s में बीजेपी जो है, बीजेपी का सपोर्ट बढ़ने लगता है, ठीक है। इससे पहले क्या था, 1990 से पहले क्या था, सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट के कुछ अर्बन एरियाज में लोग बीजेपी को पसंद करते थे। धीरे धीरे क्या होता है, 1990s के बाद अलग अलग एरियाज में रूरल बैकग्राउंड के लोग भी धीरे धीरे बीजेपी को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। 1998 में ये लोग पावर में आते हैं, और ये लोग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, NDA के लीडर्स बनते हैं, ठीक है। 2014 तक आते आते इट बिकम्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। 2014 तक आते आते ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। ओके, चलो, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। हमने काफ़ी मतलब बेसिक कर लिया है इस चैप्टर का ख़त्म। अब थोड़ा सा और ये चैप्टर आपका बच रहा है, वो अब हम कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर कोई दिक्कत है तो रीच आउट कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल के क्लास में हम लोग बहुजन समाज पार्टी से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो, ऐसे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में 6:45 PM। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।